नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज और। दोस्तों मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा है कि किसी भी डाइवर्ट की गई ट्रेन का लाइव रनिंग लोकेशन क्यों नहीं शो होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई ट्रेन भारतीय रेलवे डाइवर्ट करती है तो उसका लाइव रनिंग लोकेशन क्यों नहीं दिखता है। दोस्तों इस बात को जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी ट्रेन का लाइव रनिंग लोकेशन कैसे दिखता है। तो इसके लिए यहाँ पर तीन तरीके बनाए गए हैं जिसके अनुसार किसी भी ट्रेन के लाइव लोकेशन को आप देख सकते हैं। दोस्तों पहला तरीका जिसमें आपके मोबाइल में इंटरनेट का होना जरूरी होता है। दूसरा तरीका कि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट ना हो तब भी आजकल आप जो है बहुत सारे ऐप है जिसके अनुसार आप ट्रेन के लाइव लोकेशन को देख सकते हैं। तीसरा होता है GPS मोड। तो यहाँ पर होता क्या है कि जितनी भी इस तरीके की एप्लीकेशन है जो ट्रेनों के लाइव लोकेशन को दिखाती हैं, ये सारे एप्लीकेशन जो ट्रेन का डेटा होता है वह NTES के सर्वर से लेती है। दोस्तों NTES इंडियन रेलवेज की एक ट्रेन इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि सारे ट्रेनों के रिकॉर्ड को अपने सर्वर में रखती है। होता क्या है कि जब भी कोई ट्रेन ट्रैक्स पर चलती है तो वहाँ के स्टेशन मास्टर उस ट्रेन के लोकेशन को अपडेट कर यानी कि वहाँ के सेक्शन कंट्रोलर को यह बताते हैं कि यह ट्रेन इस लोकेशन पे है, और सेक्शन कंट्रोलर जो होते हैं सारे ट्रेनों की लोकेशन को अपने सर्वर में फीड करते हैं जो कि NTES पे जाता है। वहाँ से अगर आप किसी भी ट्रेन के नंबर को डालते हैं तो उसी NTES के सर्वर से डेटा को लेकर ट्रेन का लाइव लोकेशन दिखता है। दोस्तों ये तो पुरानी चीजें हो गई, लेकिन अभी बहुत सारे ऐप किए क्या कि इसमें मॉडिफिकेशन करके बिना किसी इंटरनेट के भी आप ये जो ट्रेन के लोकेशन है उनको देख सकते हैं। तो उसके लिए होता क्या है कि जितनी भी ऐप है इस तरीके की वह सारे ट्रेनों के लोकेशन यानी कि वह कहाँ से चल रही है और कहाँ तक जाएगी, किस रेलवे स्टेशन पर कितने बजे पहुँचेगी, इसका डेटा पहले से ही अपने सर्वर पर डाल कर रखे हैं। अगर आप किसी भी ट्रेन के नंबर को डालकर सर्च करते हैं तो होता क्या है कि वो आप जो है उस एप्लीकेशन के सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट ना रहे तो यहाँ पर एक आपको परमिशन देनी पड़ती है कि आप जो है ट्रेन में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस लोकेशन की परमिशन दे रहे हैं। तो जैसे ही आप उस लोकेशन की परमिशन को देते हैं आपका मोबाइल जो है नज़दीकी सेल टावर यानी कि मोबाइल टावर से कनेक्ट हो जाता है, और जो भी मोबाइल टावर कनेक्ट होगा उस मोबाइल टावर के लोकेशन से आपकी लोकेशन जो है उस एप्लीकेशन के सर्वर तक चली जाती है, जिससे यह पता चलता है कि करंट में आप इस लोकेशन पे हैं यानी कि इस मोबाइल टावर से कनेक्टेड है, यानी आपकी ट्रेन इसी एग्जैक्ट लोकेशन पर है चाहे आपके मोबाइल में इंटरनेट ना रहे तब भी। तो ये जो है सेल टावर से डेटा को लेकर ट्रेन के लाइव लोकेशन को दिखाती है। दोस्तों ये दिखाती इसीलिए है क्योंकि आप उस ट्रेन में बैठे हैं और उस ट्रेन का डाटा उस रूट पर पहले से ही फीड है। तीसरी चीज क्या होती है कि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट ना रहे, टावर भी ना रहे, तो हो सकता है कि दूसरे पर्सन जो उस ट्रेन में बैठे हुए हैं और उनका कोई दूसरा नेटवर्क है और उसमें टावर है, तो उस हिसाब से वहाँ के लोकेशन को परमिशन दे के बैठे हैं, तो वो जो परमिशन है सर्वर तक जाती है जिसे सभी के मोबाइल में उस ट्रेन के नंबर की सिस्टम जो है पता चलता है कि ये ट्रेन एग्जैक्ट इसी पोजिशन पर है। तो दोस्तों इस तरीके से बिना इंटरनेट के भी यहाँ पर ट्रेन के लोकेशन का पता लगाया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है यानी कि अगर कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है और वह कहीं घूमते हुए जाएगी, तो इस हिसाब से पहले से ही उस ट्रेन का कोई भी डाटा इनके सर्वर पर फीड नहीं होता है। तो यहाँ पर जब पहले से कोई डाटा सर्वर में फीड नहीं होगा तो वो ट्रेन किधर जा रही है, कहाँ से होके जा रही है, इसका कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस ट्रेन का डेटा एक फिक्स जो है रूट से और फिक्स रेलवे स्टेशन से होते हुए डाला गया है, और जब उस जगह पे चलेगी वो तभी यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। अगर रूट को बदल दिया जाए तो जिस चीज़ का पहले से कोई जानकारी है ही नहीं तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन के ऊपर या फिर लोकोमोटिव के ऊपर ऐसा कुछ GPS नहीं है कि उसके हिसाब से ट्रैक करके ये चीज़ें बताती है। ये पहले से जो डेटा सर्वर में फीड है उसी के हिसाब से बताती है, तो जब उसके रूट को बदला जाएगा तो उसे वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि किस जगह पे है, इसीलिए यहाँ पर डाइवर्टेड ट्रेन का जो लोकेशन है वह शो नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।